उत्तराखंड की जोशीमठ का हाल तो आप सबको पता ही है। किस तरह से यहाँ आए भूधसाव ने क्षेत्र की शक्लो सूरत बदल दी है। एक्सपर्ट आज भी यहाँ पर भूस्खलन की वजह का पता लगाने में जुटे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि मोटी मोटी दरारें आज भी यहाँ देखी जा रही हैं? लेकिन जोशीमठ जैसा ही हाल अब उत्तराखंड के अलग अलग जगहों में देखने को मिल रहा है। ताजा मामला झीलों के शहर नैनीताल से आया है, जहां चाइना पीक पर लैंडस्लाइड से पूरा शहर खतरे की जद में है। दरअसल चाइना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है और यहां पहाड़ी भूस्खलन से लगातार दरक रही है। पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं, जिससे यहां तलहटी में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील हो चुकी चाइना पीक की पहाड़ी को मरम्मत की दरकार है, जबकि डिपार्टमेंट को उसके लिए बजट का इंतजार है। पहाड़ी में हाल के दिनों में हुए भूस्खलन के बाद निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों में दहशत है। बावजूद इसके अभी तक शासन स्तर पर बजट स्वीकृत नहीं किया गया, जबकि वन विभाग इससे पहले ही भूस्खलन के बाद ही शासन से मरम्मत कार्यों के लिए बजट की मांग कर चुका है। पिछले कई सालों से चाइना पीक की पहाड़ी में भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर गिरने से इसे ठीक नीचे आबादी वाले हिस्से को खतरा बना हुआ है। कई बार लोकल लोग भूस्खलन की आवाज सुन रात में घरों से सुरक्षित जगहों की ओर दौड़ पड़ते हैं। इस बार की बारिश में भी यहाँ कई बार भूस्खलन की घटनाएं हुई। 5 सितंबर को भी इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन तब मलबा आबादी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन पहाड़ी के हिस्से में जबरदस्त भूकटाव देखा गया था। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, इससे तलहटी में रह रहे उन लोगों को खतरा बना हुआ है। वहीं इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि 5 सितंबर को हुए भूस्खलन के बाद विभागीय टीम ने मौका मुआयना किया था। तब विभागीय टीम ने वहां हो रहे भूस्खलन को देखा, बल्कि टीम को पहाड़ी में कई जगह दरारें भी दिखाई दी। डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि ऐसे में भूस्खलन की संभावनाएं बनी हुई हैं। चाइना पीक की पहाड़ी से निचले क्षेत्र में गिर रहे पत्थर और बोल्डर को रोकने के लिए क्रेट वायर दीवार का निर्माण की योजना बनाई गई है। बताया गया कि पहाड़ी में 300 मीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर होगी, जिसमें 1 मीटर की बुनियाद होगी और 3 मीटर ऊंची दीवार पत्थरों और मलबे को रोकेगी। बताया गया कि दीवार बनने के लिए जिला प्रशासन को 51,18,000 का प्रस्ताव दिया गया है। बजट जारी होते ही काम को शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।